चीन में कोरोना ने मचाया कहर, दुनिया के 10 देशों में बड़े कोरोना के मामले, भारत में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की राहुल गांधी से अपील, सरकार ने कहा राहुल भारत जोड़ो यात्रा रोक दे, देश को कोरोना से बचाना है। अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंधों की चौतरफा निंदा। नेपाल में संसदीय दल के नेता चुने गए, शेर बहादुर देउवा दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहे, चुनावों में विजेता घोषित। महाशिवरात्रि मनाने भारत से 90 हिंदू तीर्थयात्री पाकिस्तान पहुंचे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पाक के पंजाब प्रांत के कटाश राजमंदिर में करेंगे दर्शन। भूकंप के तेज झटके से थर्राया कैलिफोर्निया, 6.4 रही तीव्रता, अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में भूकंप के झटके किए गए महसूस। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सिलेंडर फटने से 12 लोगों की मौत, 25 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश का सफाया करने उतरेगा भारत, टीम इंडिया चटगांव में पहला टेस्ट। आईपीएल के लिए बीसीसीआई का नया अपडेट, प्लेइंग 11 में 4 विदेशी खिलाड़ी है तो इंपैक्ट प्लेयर हर हाल में भारतीय होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजवा की छुट्टी, नजीम सेठ संभालेंगे जिम्मेदारी, इसकी वजह इंग्लैंड से घर में क्लीन स्वीप नहीं है।